साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा मलैया जी से। डॉक्टर सुधा मलैया जी, ये बताइए कि बीजेपी में इन दिनों रायशुमारी का क्रम चल रहा है, ये रायशुमारी क्यों हो रही है? ये रायशुमारी तो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है और वो पहली बार नहीं हो रही, हर चुनाव में होती है। हमने तो जब से पार्टी में सक्रिय हैं तब से हम ये प्रक्रिया होते देखते हैं। पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रायशुमारी है ये सिर्फ औपचारिकता है, पिछली बार जब रायशुमारी हुई तो जो लिफाफे आए आपके सामने वो खुले तक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात सिर्फ भ्रम फैलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिफाफे भी खुले, लोगों ने देखा भी और उसमें ध्यान में भी बहुत सारी बातें आई, उससे एक मन बनाने में निर्णय लेने में सुविधा होती है। पार्टी ने पूरा उसको उस पर ध्यान दिया और इस बार भी पूरा ध्यान देकर अपने निर्णय लेगी। पर यह भी कहा जा रहा है कि साहब रायशुमारी होती है तो उसमें जब लोअर लेवल से जो नाम आते हैं ऊपर तक जाकर वो कट जाते हैं, तो यहाँ कांग्रेस कई बार चुटकी लेती है कि ये सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है पार्टी में। कांग्रेस क्या चुटकी लेगी, कांग्रेस अपने चुनाव तो संभाल ले। हमारे यहाँ रायशुमारी होती है, झगड़े नहीं होते, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ढंग से, अनुशासित ढंग से हमारे यहाँ सब ये निपट जाता है और लोग निर्णय ले लेते, नेतृत्व को जिसको निर्णय लेना है वो लेते हैं। लेकिन अब आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस में, युवा कांग्रेस के कल चुनाव हुए तो उसमें कितनी जूतम पजारी हुई, वहाँ पे लाते भी चली, तलवारें भी चली, जीप में पुलिस ने 5-6 तलवारें और इस बैट बल्ले पकड़े सब ये तो, और कितना ज्यादा उधम हुआ। ऐसा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये सब कुछ नहीं होता। कांग्रेस ये कहती है कि उनके यहाँ लोकतंत्र है इसीलिए वो लोग चुनाव करा रहे हैं, आपके यहाँ चुनाव होते ही नहीं। तो मतलब लोकतंत्र का अर्थ ही जूतम पजारी करें और आपस में पिटाई करें और एक दूसरे के लिए तलवारें रख के लाएं, लोकतंत्र का ये अर्थ है? और दो लड़कों को चोट लग गई, एक आध को गोली वोली लगी और ये सब हुआ और अस्पताल में भर्ती है, लोकतंत्र का अर्थ ये है कि मारपीट करें? लोकतंत्र इतनी छूट तो नहीं देता। हाँ, लोकतंत्र में हाथ की सीमा वहीं तक है जहाँ तक दूसरे का गाल उसके अंदर नहीं आवे, उसके अलावा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है। रायशुमारी हुई, सब ढंग से हुई, लिफाफे बंद होकर आ गए, लोगों ने अपनी राय दी, पूरे 230 विधानसभाओं में 230 लोगों को नियुक्त किया गया, अलग अलग जिले में 50 जिलों में लोगों को नियुक्त किया गया, सीनियर लोगों के हाथों में कमान दी गई और अभी तक हमारे सिर्फ 11 या 12 जिले बचे हैं, बाकी सबकी रायशुमारी होकर आ गई है। कहीं आपने कोई सुनी आवाज की कहीं कुछ किसी जिले में कुछ घटना इस प्रकार की हुई जैसी कल हम राजधानी में हुई? बीजेपी खुश है इस झगड़े से? सवाल बीजेपी के खुश होने का नहीं है, सवाल है कांग्रेस के दुखी होने का। कांग्रेस अपने घर को संभाले और उसे देखे, बीजेपी को न सिखाए। कांग्रेस की तो परंपरा ही रही है, शुरू से ही वहाँ ये होता है कि जब भी कोई चुनाव होगा तो लड़ाई तो होगी ही। तो कांग्रेस अपनी परंपराएं सुधारे, देश को ये नहीं चाहिए। देश इसीलिए कांग्रेस से मुक्त होना चाहता है कि देश में ये परंपराएं नहीं चाहिए कि आप ही आपका राज चले और वो जूतम बाजारी से चले। बीजेपी निरंतर मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रही है, उधर से राहुल जी उनके कहा जाए कॉन्टेस्ट में है, परंतु दोनों पार्टियां क्या इस बात से मतदाता को कन्विंस करा पा रही हैं कि नहीं वो एक बेहतर भारत दे सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं ये कांग्रेस का विषय है। कांग्रेस ये पूछे, कांग्रेस को ये बताना है कि वो कन्विंस करा पा रहे हैं नहीं। नरेंद्र मोदी से तो पूरा देश नहीं, विश्व कन्विंस्ड है, इसमें कन्विंस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पूरे लोग, हर व्यक्ति आके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी चाहिए, उनके लिए अब कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो एक लहर है जो चल चुकी है। ये तो नरेंद्र मोदी क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने सुशासन दिया है, क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर इतने आरोप लगाए, उनको नरभक्षी कहा, उनको राक्षस कहा, मॉन्स्टर कहा, मौत का सौदागर कहा, और उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर कोई वो नहीं करते हुए वो अपने सुशासन में अपने एजेंडे को सेट करते रहे। उन्होंने गुजरात को सुंदर बनाने का, सशक्त बनाने का और विकास ले जाने का जो कार्य उन्होंने किया, उससे पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा कि कैसे उन्होंने सुशासन दिया। इसे लोगों को लगता है कि उनकी एक सोच है, उनकी एक दूरदृष्टि है, वो एक दृढ़ निश्चयी समय से निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं जिसकी इस देश को जरूरत है। या ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जब सत्ता में आती है तब वो अपने वादों को भूल जाती है, राम मंदिर का मुद्दा आया तो फिर भूल गए। सुशासन की बात आप जरूर कहते हैं कि आपने किया, ये उदाहरण हो सकता है, अटल जी ने जब कहा जाए उनके नेतृत्व में सरकार चली तो हुआ होगा ये। परंतु यहाँ ये भी उठती है बात कि अगर आपने कश्मीर मुद्दे पर, अगर राम मंदिर मुद्दे पर जो वादे जनता से किए तो वो तो लागू नहीं कर पाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत एनडीए सरकार सत्ता में आई थी, ये पूरे देश को पता है,
कोई बात छुपाकर कभी नहीं रखी गई। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी अलायंस में हमारे एलाइज आए, गठबंधन के जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, तो उन सब के तहत जो प्रोग्राम तय किया गया उसको उसके अनुरूप चलना था। और मैं कहना चाहूंगी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने 24 लोगों को लेकर, 24 दलों को लेकर इतनी कुशलता पूर्वक 6 साल योग्यता से कुशल प्रशासक के, कुशल शासक के रूप में उन्होंने शासन किया और देश को ऐसी बहुत सारी देन दी, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्योंकि केवल ग्रामीण सड़क योजना अकेले नहीं थी, उस ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश का कितने प्रकार से विकास हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और उस समय अपेक्षाकृत बार बार ये सवाल हुआ कि जब तक आतंकवाद उस पार से होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। इसीलिए जब यहाँ पर आए भी परवेज मुशर्रफ आगरा तक आए तो दिल्ली तक नहीं आए, और उनसे जब तक उन्होंने इस बात पर सहमति नहीं की तो समझौते पर दस्तखत नहीं हुए। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री तो बार बार उनसे इतनी रोज सीमा उल्लंघन हो रहा है, रोज सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तब भी उससे बातचीत करने के लिए इतने बेताब हैं, इतनी बेचैनी है उनमें। वो उस हमारे यहाँ के नेता लोग यही कह रहे हैं कि जाके वो खुद आतंकवाद का मारा है। नवाज शरीफ एक तरफ सारे के सारे इधर मैनेज कर रहे हैं कि किस तरीके से रोज सीज फायर का उल्लंघन, और दूसरी तरफ शरीफ शराफत की खाल ओढ़कर वो बोलते हैं कि वार्ता करेंगे, वार्ता अब जारी रहना चाहिए। तो ये दो मुही बातों से ये देश को संभलना चाहिए, हमें शिक्षा लेना चाहिए, पाठ लेना चाहिए। हम 1965 में भुगत चुके हैं, 1962 में भुगत चुके हैं, तो ये तो रोज की कहानी है। पर ये राष्ट्रीय स्तर पर ये भी बात उठती है कि अगर जैसे ही चुनाव आने को होते हैं, कोई से भी चुनाव आने हो, बीजेपी धर्म के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारी अलर्ट हो जाती है। बीजेपी का विषय नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कुछ है। और आप देखिए 200 लोग थे, केवल 200 संत थे, करना चाहते परिक्रमा करने देते। ये विषय किसने बनाया है? समाजवादी पार्टी ने बनाया। कोई 1,00,000 काल सेवक तो वहाँ इकट्ठा होने गया था। और वो कैसे उम्मीद करते हैं, और कैसी ये राजनीति है इस देश की, कि वो लोग मुस्लिम वोट के लिए 18% मुस्लिम वोट के लिए हम 82% वोटर्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। और ध्यान में रखने की बात नहीं, आप कहते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं है, लक्ष्य तो आपका केवल मुस्लिम वोट से। सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक दूसरे लोग हैं, अन्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता 200 संत अगर चले जाते तो विषय नहीं बनता, उन्होंने जानबूझकर विषय बनाया। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, सांप्रदायिकता वो फैला रहे हैं। पर ये 84 कोस की परिक्रमा क्या अभी जरूरी थी, इससे पहले क्यों? सवाल ये नहीं है, ये कौन तय करेगा, आप तय करेंगे या मैं तय करूंगी? ये तो जब भी जिसका मन है करने का तो कर सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है? बीजेपी बात करती है महिलाओं को बढ़ावा देने की, आपके यहाँ पार्टी में काफी इस पर बहस भी चली कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए, परंतु उसका पालन नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम संगठन में 33% आरक्षण देंगे, उन्होंने दिया। आज मैं भी 33% आरक्षण की वजह से ही मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं मेरे समान, 40-44 में से हम लोग या उतने 33% पद महिलाओं के पास है। अब चुनाव में जब तक उसका विधान ना बन जावे, जब तक संविधान में संशोधन ना हो जाए, वितरण तो आपके पास है और आपकी पार्टी कहाँ, तो कैसे? मान लिया कोई बाहुबली किसी महिला के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, जब तक सामने वाला दल भी बाध्य ना हो, जब तक वहाँ आरक्षण ना हो कि वह भी महिला ही खड़ा करेगा महिला के सामने, तब तक ये संभव नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है पहले से ज्यादा टिकट हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, प्रदेश महिला मोर्चा भी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा भी मांग कर रहा है कि कम से कम एक जिले में 4 सीटों में से एक महिला को दे दो, तो ऐसी कोशिश है। मुझे लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा संख्या काफी अच्छी होगी। इस बार एक बात और उठ रही है कि प्रदेश में आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला भी चुनाव आपने विकास के मुद्दे पर लड़ा, वाकई विकास हुआ है? आखिर इतनी सारी योजनाएं आई हैं, 24 घंटे जिस प्रदेश में 2 या 3 घंटे केवल बिजली आती थी, उस प्रदेश में हम जिले में 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। उसमें लोग आपत्ति लगा रहे हैं, और कोई आरोप नहीं मिल रहा, तो बोले तुमने 24 घंटे देने के लिए कहा था, आप 18 घंटे दे रहे हैं। आपने कहा था कि 18 घंटे नहीं दे रहे, आप 16 घंटे दे रहे। हमने कहा था हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी एक, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं तो हम उसके साथ एक पीरियड होता है कि इतना समय में हम
थोड़ा सा ये और काम कर लेंगे, उसमें व्यवस्था की दिक्कतें आ सकती हैं, मेंटेनेंस की दिक्कतें आ सकती हैं, लाइनें बिछाने की दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारी मंशा साफ है। तो क्या विकास नहीं हुआ है? सड़कें बनी हैं, पहले जो 57 साल में 44,000 किलोमीटर सड़कें बनी, आज 88,000 किलोमीटर सड़कें हैं। तो 44,000 हमने 10 वर्ष में बनाई, उससे ज्यादा हम इन 5 वर्षों में आगे बनाने की वायदा कर रहे हैं और बनेंगी, उनके टेंडर हो चुके हैं। पर गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। देखिए, बारिश में बहुत सारी सड़कें उखड़ जाती हैं, इतनी भारी घनघोर वर्षा हुई है, ये आप भी जानते हैं कि इस बार जो बारिश का रिकॉर्ड है वो पिछले 19 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और 3 महीने से लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में तो बहुत बहुत सी अच्छी सड़कें भी बोल जाती हैं, कई जगह निश्चित रूप से गुणवत्ता में कमी आई होगी, उसकी तरफ भी हमारे सरकार का नेतृत्व का ध्यान गया है, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और उसमें सरकार इस बार पूरी तरीके से सावधान रहकर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी बातचीत कर रही है कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि विकास के नाम पर धोखा हो रहा है। कांग्रेस क्या आरोप लगाएगी? कांग्रेस का आरोप तो विकास के नाम पर, वो बताएं मुझे क्या किया 10 वर्ष के अंदर, पिछले जब उनका शासन था 1993 से लेकर 2003 तक, तब 4,000 उद्योग इस प्रदेश के बंद हुए, 100 से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स के MOU पर दस्तखत हुए, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और उस समय मैं कहना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में हर व्यक्ति पर गोली चलाई गई, जतारा में छात्रों पर गोली चलाई गई, मैयर में मजदूरों पर गोली चलाई गई, मुल्ताई में किसानों पर गोली चलाई गई, जैसे जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई गई थी वैसे बंद करके कॉलेज का परिसर को, उसमें गोलियां चलाई गई, झाबुआ में आदिवासियों को नंगा करके पेड़ों से लटका के मार डाला गया, उनके जमाने में महिला सरपंचों को सरेआम निर्वस्त करने की घटनाएं कांग्रेसी विधायकों द्वारा हुई। तो वो लोग तो बोलेंगे कि पर मुझे उनकी किसी भी बात पर कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे कोई हैरानी और परेशानी नहीं है, किसी की आंख में समंदर और किसी की आंख में पानी नहीं है। तो कांग्रेस का तो ये हाल है, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर अभी मैदान में है उनमें कई ऐसी नीतियां हैं जहां आप बैकफुट पर हैं, चाहे वो सड़क की बात कर लें, चाहे वो पानी की बात कर लें या अन्य विषयों की बात कर लें, तो वहां कई क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि समग्र रूप से घोषणा पत्र जो आपने पिछली बार दिया था उस पर तो अभी तक पूरी तरह पालन हो ही नहीं पाया। मैं कहना चाहती हूँ 1993 में और 1998 में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिए थे उन पर कितना पालन कर लिया? अगर आपको याद होगा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी विषय पर बनी थी कि बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर, वो इस बात की क्या बात करेंगे। हम लोगों ने विकास किया है और पानी सिंचाई का रकबा इतना बड़ा है, जो 6 लाख हेक्टेयर होता था आज वो 24 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है सिंचाई का रकबा। पानी की उपलब्धि हमने कराई है, कपिल धारा योजना के तहत कुएं गांव गांव में, जब भी मैं हेलीकॉप्टर से एक आध दो बार मुझे जाने का अवसर मिला और प्लेन से भी, हम देखते हैं कि दूर से भी खेतों में कुएं खुदे हुए दिखते हैं हमें, कई जगह वाटर बॉडीज तालाब जलाशय हमें दिखते हैं। बलराम टैंक योजना के तहत कई तालाब खुदे हैं। पेयजल की समस्याओं के लिए जब सिंचाई का रकबा बढ़ा है तो बांध बन रहे हैं, स्टॉप डैम्स बने हैं, जिनसे हम पेयजल की समस्या को भी हल कर रहे हैं। काफी जगह हमने हल कर लिया, काफी जगह हम कर रहे हैं। अभी पार्टी में आपके यहाँ भारी मतभेद है, उमा जी की क्या भूमिका रहने वाली है? नहीं, क्या मतभेद है? मुझे तो नहीं मालूम कोई मतभेद है। किस चीज के बारे में मतभेद है? उमा जी के लिए क्या तय किया है आपने? उमा जी के लिए तय करना प्रदेश नेतृत्व का काम नहीं है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। वो राजनाथ सिंह जी की टीम में है, मुख्यमंत्री जी की टीम में नहीं है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी की टीम में नहीं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी पार्टी के लोकप्रिय नेता है, उनकी वक्तृत्व कला के सब कायल है, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी उन्हें काम दिया है वो कर रही है। गंगा का प्रोजेक्ट उनके पास है, वो बहुत भली भांति उसको निभा रही है और उसके लिए वो पूरी तरीके से समर्पित है। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है इसका कितना आपको एडवांटेज मिलने वाला है? मैं खुद उस जन आशीर्वाद यात्रा में 2 दिन रही और मैंने वो कमाल देखा है, मुझे चमत्कार लगता है। क्योंकि हम लोग कई बार एक नेता को सुनने आ जाते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से भरी बरसात में रात के 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक महिलाएं कलश लिए खड़ी हैं, आरती का थाल लिए खड़ी हैं, नृत्य करते हुए खड़ी हैं, दूर दूर से लोग आके हाथ मिलाना चाहते हैं। मैं जब एक दिन उनकी यात्रा में थी तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग लड़के बिल्कुल उत्सुक थे, तो वो अपना हाथ
बाहर किए थे शिवराज जी, तो उनको बहुत सारे नाखून लग गए। मैंने कहा भैया बहुत विनम्र है। तो एक लड़के ने जब हाथ मिला लिया, कहने लगा मैं 15 दिन तक अपना हाथ नहीं धोऊंगा, इसको मैंने शिवराज जी से मिलाया। ये लोकप्रियता है, ये जन जन के हृदय में बसने की बात है। ये पहला मध्य प्रदेश में ऐसा नेता हुआ है जो वास्तव में जनता के हृदय में बस गया है। वो जो प्रेम शिवराज जी के प्रति जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उमड़ता हुआ हमें दिख रहा है, वो न दिखावटी है, न आरोपित है, न लाया गया है, वो सहज है, स्वाभाविक है और वो वास्तव में जेन्युइन है। कुछ विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनका कहा जाए कि क्षेत्र में प्रभाव ठीक नहीं है, जनता फोन करती है तो फोन नहीं उठाते हैं, मिलते नहीं है जनता से, ऐसे लोगों के क्या टिकट काट रही है पार्टी इस बार? देखिये वो चुनाव चयन समिति है, मध्य प्रदेश की भी है और राष्ट्र की भी है, तो वो उस बात पर निर्णय लेगी। संगठन के ध्यान में सारी बातें हैं, जहां पर भी जैसी कार्रवाई करने की जरूरत होगी और निर्णय लेने के वो लेंगे। विकास की बात करें तो अभी तक आपको ऐसी क्या उपलब्धियां नजर आती हैं जिन पर आप कहती हैं कि कांग्रेस से आप कई गुना आगे हैं? मैंने आपको सड़क गिनाई, मैंने आपको बिजली गिनाई, मैंने आपको पानी और सिंचाई गिनाई, मैंने आपको लाडली लक्ष्मी योजना गिनाई, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण आज तक किसी ने दिया है? महाराष्ट्र में रोज कितने किसान आत्महत्या करते हैं, महाराष्ट्र के शरद पवार मंत्री बैठे हैं एनसीपी के, वहां कांग्रेस के और इतने मंत्री बैठे हैं, क्या किया आज तक कांग्रेस ने महाराष्ट्र में? तो कितने समय से कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये किसान का बेटा है, किसानों का दर्द समझता है, तो उनको समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं और ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं, जो किसान की सबसे बड़ी उसकी समस्या है जीवन की। जरा सा कर्जा ले लेता है तो पूरा जीवन उसका बिक जाता है। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां और योजनाएं हैं जिनके बारे में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने प्रदेश के हित में, जनता के हित में और प्रदेश के विकास के लिए, हम बीमारू राज्य से लाकर, हमने पिछड़े राज्य से लाकर, हमने विकसित राज्यों की श्रेणी में कर दिया है। वह दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश प्रथम 3-4 राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। मध्य प्रदेश के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ की जो सरकार है, आपकी जो सरकार है बीजेपी की, वो केंद्र जो भी मदद देता है उसको मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं साहब, हमको तो कुछ नहीं, केंद्र कोई सहायता नहीं कर रहा है। पर ये तो आंकड़ों की बात है, आप इसको आंकड़ों से टैली कर सकते हैं कि अगर वो आंध्र प्रदेश में जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है या महाराष्ट्र में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, जितना अनुपात में उस पैसा वहां देगी, यहाँ पर नहीं देती है। ये तो आंकड़ों से सिद्ध करा जा चुका है, तो ये बात सही है। तो इसलिए हमें तो कहना पड़ेगा कि अगर हमें, हमारे यहाँ 66 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा के लिए नीचे लोग हैं, तो हमें उससे ज्यादा लोग वो चाहिए, कार्ड्स उतने चाहिए। अगर 44,000 ही देंगे, 44 लाख ही देंगे तो कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार कोयला आवंटन की बात थी, जब हमारे यहाँ बिजली की बहुत कमी थी तब हमें कोयला आवंटन समय से नहीं किया। इसी प्रकार हमें खाद्यान्न की जब बात थी, जब हमें खाद्यान्न की जरूरत थी तब उन्होंने हमें खाद्यान्न का कोटा पूरा नहीं दिया। तो इसी प्रकार हमें जब जिस समय जितनी रसोई गैस मिलना चाहिए थी उतना हमें नहीं दिया। तो बार बार ये बात आती है और जितना प्रदेश का कोटा होना चाहिए बजट में, उतनी अनुदान या जो केंद्र से हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। जनप्रतिनिधि को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति या फिर पार्टी के प्रति? दोनों के प्रति। कांग्रेस तो इसमें खरी उतर रही है। कांग्रेस क्या, किस बात में खरी उतर रही है? अपने क्षेत्र के जो भी उनकी जनता है उनके प्रति वो लोग समर्पित हैं, ऐसा कहते हैं? ऐसा किस दृष्टि से कहते हैं, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। अगर समर्पित होते तो वो 10 साल से बाहर क्यों रहते सत्ता में? सत्ता में क्यों नहीं रहते? फिर 10 साल के बाद जो उनको उखाड़ कर फेंका है जनता ने, और अभी भी आने का उनका कोई आसार नहीं है मध्य प्रदेश में, और अब केंद्र से भी उखाड़ कर फेंकने वाले। अगर समर्पित रहते, इस देश की जनता के लिए कुछ किया होता तो दिखता। ये कांग्रेस को तो नैसर्गिक फायदा भारत की स्वतंत्रता के साथ मिला हुआ है, वो सत्ता में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही आ गई, उसका एक परंपरागत वोट है जिस पर वो अपना अधिकार समझती है, भले उनके लिए कुछ करे या ना करे। वो समझती है कि मुस्लिम वोट पर भी मेरा अधिकार है, वो समझती है कि अनुसूचित जनजाति पर भी मेरा अधिकार है और अनुसूचित जाति पर भी मेरा है। वो सबको वोट बैंक समझती है, करती कुछ नहीं है उनके लिए। केंद्र सरकार की क्या विफलताएं आपको नजर आ रही है ऐसी, जिसके आधार पर आप कहती है कि विधानसभा और लोकसभा जीतेंगे आप लोग? केंद्र सरकार की विफलता एक हो तो मैं गिनाऊं, मुझे तो बताइए आपकी विदेश नीति क्या सफल है, क्या आपकी गृह नीति सफल है? आप देश में आतंकवाद बंद करने में सफल नहीं हो पाए। कश्मीर का मुख्यमंत्री कुछ भी बोलता है देश के खिलाफ आप सुनते रहते हैं। किश्तवाड़ में दंगे हो गए और उसने कुछ नहीं किया, उसने 2-3 दिन बाद सेना बुलाई
उसके बारे में कुछ नहीं कह सके। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ही नेताओं के ऊपर नक्सलवाद और माओवादियों का हमला हो गया और केंद्र सरकार कहती रही राज्य का विषय है। आंध्र प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश है, वहां माओवाद नक्सलवाद फैल रहा है। बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए चले आ रहे हैं, बंगाल में चले आ रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। तो गृह मोर्चे पर आतंकवाद को हम कुछ नहीं कर पाए, हम विदेश नीति पर पूरी तरीके से असफल सिद्ध हो गए हैं। बर्मा जैसा देश आज हमें आंखें दिखा रहा है, हमें मालदीव जो कभी भारत से पूछकर चलता था वो हमारी बात नहीं मान रहा है, वहां चाइना का बेस बन गया है। लद्दाख में ले के उसमें रोज चीन 3 महीने के अंदर 4 या 5 बार घुस के 19 किलोमीटर चला आया और अब अरुणाचल में घुस के चला आया। तो और रोज पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, कौन सी उस पर। और अर्थव्यवस्था, डॉलर की कीमत तो देखिए आप, मतलब आज रुपए का, हमारा सोने का सिक्का का खरापन सोनापन चला ही गया है। आज हमारा जो सिक्का है वो बाजार में खोटा सिक्का साबित हो गया है। हमने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश का सबसे अच्छा अर्थशास्त्री माने जाना वाला व्यक्ति वित्त मंत्री चिदंबरम और मोंटेक सिंह आलूवाले तीनों के तीनों फेल होकर इस देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी विषय है जिसके बारे में ना हम सुरक्षा के मामले पर, ना हम अर्थव्यवस्था के मामले पर और ना ही हम गृह सुरक्षा के मामले में, तीनों जगह हम फेल हो गए हैं कांग्रेस की सरकार। और हमें शर्मिंदगी के साथ इस देश को सर उठाने लायक भी विदेश में नहीं रखा है विश्व के सामने। आसाराम जी के इशू पर आपकी पार्टी में अलग अलग तरह की राय आ रही है, आपके कई नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है इस विषय में पार्टी की राय नहीं आई है, ये इंडिविजुअल्स की राय है। और जो भी कुछ उन्होंने कहा है, संत वो संत माने जाते हैं लोग, कई लोगों की उनके बारे में श्रद्धा है तो इसलिए एक उसके बारे में थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लोग, तो उन्होंने उस दृष्टि से कहा है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, मेरी राय, अपनी राय ये है, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही हूँ, नहीं भी रहती तो भी मैं ये मानती हूँ कि एक लड़की के साथ ऐसा कृत्य हुआ है, वह पीड़िता है, FIR दर्ज हो गई है, पिटीशन फाइल हो गई है, कानून को अपना काम करते देना चाहिए। और अगर संत आशाराम जी, अगर वो संत हैं तो उनकी तरफ देश आशा भरी नजरों से देख रहा है कि वो निराश ना करें, जांच होने दें और वो चुनौतियां नहीं दें कि मैं दोषी हूं तो मुझे साबित करो, आप साबित करो, जांच होने दें, अपनी निर्दोषता प्रमाणित करें, दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। तो ये थी डॉक्टर सुधा मलैया जी। क्रॉस फायर में अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।